जामा साहब जो ने कुछ कहा है गलत कहा, कुछ कहा है। लोग तो चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री बने ही, प्रधानमंत्री बिहार का बने, ये हम लोग की चाहत है। मैंने कहा कि बिहार तो मुख्यमंत्री दिया ही है, देश में प्रधानमंत्री बिहार दे, लेकिन देश में हम चाहते हैं भाजपा मुक्त सरकार बने और सारे विपक्ष एक मंच पर आवे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी तब तक ये मुद्दे उठते रहे। इसमें जदयू के लोग बयान देंगे, उन पे उनका दल का मामला है। राजेश कुमार सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री है, जो है सदन खत्म होने के बाद जो है वो पूरे देश का दौरा करेंगे, साथ ही वो प्रधानमंत्री के जो है उम्मीदवार हैं। और जामा साहब जो ने कुछ कहा है गलत कहा, कुछ कहा है, कोई बात तो चर्चा का चिन्ह नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री बने ही, प्रधानमंत्री बिहार का बने, ये हम लोग की चाहत है। बिहार का प्रधानमंत्री बने, देश का प्रधानमंत्री बिहार का आदमी, मैंने ये कहा। गड़बड़ाइए नहीं, हम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ आदमी नहीं है, हम बचौल नहीं है और विपक्ष के उचक्का नेता नहीं है। हम तरीके से बोलते हैं, कहीं गड़बड़ी नहीं बोलते। लेकिन सवाल एक, मैंने कहा कि बिहार तो मुख्यमंत्री दिया ही है, देश में प्रधानमंत्री बिहार दे, ये मैं चाहता हूं, मैंने ये बोला। नीतीश कुमार दौरा करेंगे निश्चित रूप से आने वाले समय में। विपक्षी एकता को उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन देश में हम चाहते हैं भाजपा मुक्त सरकार बने और सारे विपक्ष एक मंच पर आवे। जब एमपी जीत कर आएगा तो तय करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ विधानसभा में कहा है कि न मैं मुख्यमंत्री अगला हूँ नहीं प्रधानमंत्री। मैं कुछ कहा अभी, मेरी बात को तो आप सुनते नहीं। मैंने कहा कि उन्होंने खुद कहा कि प्रधानमंत्री के हम उम्मीदवार नहीं है, लेकिन वो बिहार सहित देश में भाजपा मुक्त सरकार बनाना चाहते हैं, सारे विरोधी दल के लोगों को एक मंच पर लाना चाहते हैं। विशेष राज्य की दर्जे की मांग हुआ, निश्चित रूप से विशेष राज्य का दर्जा आज भी है, जब तक केंद्र सरकार बिहार सरकार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी तब तक ये मुद्दे उठते रहे। सर एक सवाल, बीजेपी कह रही है कोई मुद्दा नहीं होता है आप लोगों के पास, तो विशेष राज्य का दर्जा ले आते हैं। सवाल है कि उनके पास कोई मुद्दा है? उनके पास एक ही मुद्दा है कि अडानी को कैसे हम देश का सारा संपत्ति लिख दे, कैसे हम अंबानी को सारा संपत्ति लिख कर और देश से भगा दे, जैसे चौकसी और नीरव मोदी जैसे कई गुजराती को अरबों रुपया लेकर भगवाने का काम किया है। ये चाहते हैं मोदी जी कि वो लोग भी लेकर भागे विदेश। एक सवाल है, जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट जारी हुई है, किसी त्यागी का नाम नहीं इस पर है। जदयू के लोग नहीं इसमें जदयू के लोग बयान देंगे, उन पे उनका दल का मामला है, नहीं उनका दल का मामला।